हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेस के बारे में कि ये दोनों अप्रोचेस क्या होती हैं, इनका मीनिंग क्या है, किस चीज़ के लिए इनको यूज़ करा जाता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन वीडियो को। सो, अगर मैं बात करूँ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेस, बेसिकली ये है क्या, बेसिकली ये एक अप्रोच है किस चीज़ के लिए, नैनो मटेरियल्स को सिंथेसिस करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, जरा इस लाइन को ध्यान से देखेंगे कि देयर आर द टू जनरल अप्रोचेस फॉर सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स, फॉर सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए, नैनो मटेरियल्स को सिंथेसिस करने के लिए दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं, है ना, ध्यान समझ रहे इसको। नैनो मटेरियल को सिंथेसिस करने के लिए, नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है टॉप डाउन, एक रास्ता है बॉटम अप। लेकिन इन दोनों रास्तों की जो मंजिल है वो एक ही है, क्या, नैनो मटेरियल को बनाना। ध्यान से समझिएगा, नैनो मटेरियल को बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ कर सकते हो, अब ये क्या होती है अभी आपको बताएंगे। दूसरा रास्ता क्या है कि आप बॉटम अप अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हो। दोनों अप्रोच का मेन गोल क्या होगा, नैनो मटेरियल को बनाना। सो, अभी अपने को क्या समझ में आया, अभी अपने को ये समझ में आया कि बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच बेसिकली क्या है, दो तरीके हैं, दो अप्रोच हैं नैनो मटेरियल्स को सिंथेसिस करना, नैनो मटेरियल्स को बनाने की ये दो अप्रोच हैं। ठीक, अच्छा, अगर आपके यहाँ पर भाई आपके पास एक डाउट होगा कि नैनो मटेरियल किसे कहते हैं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं नैनो मटेरियल बाय आरके फिजिक्स पॉइंट, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, नैनो मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं, मान लीजिए कोई भी एक मटेरियल है और उसकी कोई एक डायमेंशन नैनो रेंज में है, है ना, कोई भी एक मटेरियल है और उसकी कोई एक डायमेंशन, तीन डायमेंशन होती है ना, एल बी एच, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई एक डायमेंशन अगर उसकी नैनो रेंज में है तब आप उस मटेरियल को नैनो मटेरियल कह सकते हो। नैनो मटेरियल तीन तरीके के होते हैं, क्वांटम वेल, क्वांटम वायर एंड क्वांटम डॉट। क्लियर? बस इतना काफ़ी रहेगा, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी रहेगा। तो नैनो मटेरियल बेसिकली क्या होते हैं भाई, वो मटेरियल जिनकी कोई एक डायमेंशन नैनो रेंज में होती है उनको हम नैनो मटेरियल कहते हैं। उनको बनाने के दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं, एक है टॉप डाउन और एक है बॉटम अप। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो एक एक करके सबसे पहले समझेंगे, सबसे पहले बात करते हैं टॉप डाउन की, सबसे पहले बात करते हैं टॉप डाउन अप्रोच की। ठीक, अब टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, अभी टॉप डाउन अप्रोच में बेसिकली ये होता है कि हम क्या काम करते हैं, हम बल्क मटेरियल को हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं और धीरे धीरे तोड़ तोड़ के हम नैनो मटेरियल बनाते हैं, है ना। ये कुछ इस तरीके से है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई स्टैचू बनाती है ना, कोई मूर्ति बनानी है हमें, तो मूर्तिकार क्या काम करता है, एक बड़ा सा पत्थर लेता है, फिर उसको तोड़ता है, तोड़ तोड़ के मूर्ति बनाता है। ऐसे ही तो होता है भाई, अगर आपको कोई स्टैचू बनानी है तो हम क्या काम करते हैं, एक बहुत बड़ा सा पत्थर लेते हैं, एक बहुत बड़ा रॉक ले लिया हमने, एक बहुत बड़ा क्या ले लिया भाई, मेरे पत्थर ले लिया, स्टोन ले लिया, फिर उसको हम क्या काम करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके हम क्या बनाते हैं, एक स्टैचू बनाते हैं। यही सेम तरीका आपका टॉप डाउन अप्रोच में है। टॉप डाउन अप्रोच में हमारे पास क्या होता है, एक बल्क मटेरियल होता है। बल्क मटेरियल मतलब क्या होता है भाई, इसको भी समझ लो, ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो। बल्क मटेरियल मतलब जिसको आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर, अभी ये बल्क मटेरियल है, इसको आप देख सकते हो, आप इसे फील कर सकते हो। ठीक, इसकी कोई भी डायमेंशन नैनो रेंज में नहीं है, अच्छी खासी सेंटीमीटर मीटर में है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, बल्क मटेरियल। और बल्क मटेरियल को आप क्या काम कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तोड़ तोड़ के आप किस पे जा रहे हो, किस में जा रहे हो, नैनो रेंज में जा रहे हो, किस में जा रहे हो, नैनो मटेरियल में। तो टॉप डाउन अप्रोच बेसिकली क्या है, टॉप डाउन अप्रोच एक ऐसा रास्ता है नैनो मटेरियल्स बनाने का, जहाँ पर हम बल्क मटेरियल को तोड़ते हैं और क्या बना देते हैं, नैनो मटेरियल बना देते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, सिंपल सी बात क्लियर हुई कि बल्क से हम क्या जाते हैं, नैनो मटेरियल में जाते हैं, किसमें, टॉप डाउन अप्रोच में। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछने लग जाए तो क्या, मतलब एक सिंपल सी लाइन अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि ब्रेकिंग डाउन बल्क मटेरियल इंटू नैनो मटेरियल। ठीक, तो ब्रेकिंग डाउन बल्क मटेरियल इंटू नैनो मटेरियल, दिस अप्रोच इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में हम क्या काम, नाम से समझ में आ रहा है, टॉप मतलब बल्क, बल्क में कहा जा रहा है, डाउन मतलब नैनो मटेरियल में जा रहे हैं। सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं, एक स्टैचू वाला, मूर्ति वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसको तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, कर करके एक मूर्ति बन गई भाई साहब,
क्या बन गई, मोती बन गई। सेम फंडा यहाँ होता है, हमारे पास कोई बल्क मटेरियल है, उसको हम क्या काम कर रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ तोड़ के हम किस में चले गए, हमने क्या बना लिया, एक नैनो मटेरियल बना लिया। सिंपल सी बात समझ में आई, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक, टॉप डाउन अप्रोच समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें टॉप डाउन अप्रोच में, अब इसके ऊपर बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे लिथो ई बीम लिथोग्राफी, ई बीम लिथोग्राफी। ठीक, अब ये क्या है, ये मेथड्स हैं जो किस चीज, किस अप्रोच को, मतलब ऐसे समझो ना कि बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं किसको बनाने के लिए, नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए, लेकिन वो बहुत सारे मेथड सिर्फ दो ही अप्रोच पे लागू होंगे। कुछ मेथड टॉप डाउन पर लागू करेंगे और कुछ मेथड बॉटम अप पे लागू करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं है। बहुत सारे क्या है, मेथड्स हैं, लेकिन वो फॉलो किंग अप्रोच को करेंगे, दो ही अप्रोच को करेंगे, या तो टॉप डाउन या बॉटम अप, ये दो ही रास्ते हैं नैनो मटेरियल को सिंथेसिस करने के लिए, नैनो मटेरियल को बनाने के लिए। इतनी बात समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट नहीं होना, फील आना चाहिए पूरा पूरा, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। याद रखिएगा, टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच दो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन इन दोनों रास्तों का मंजिल एक है, गोल एक है। वो गोल क्या है, नैनो मटेरियल को सिंथेसिस करना, नैनो मटेरियल को बनाना। सिंपल सी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। तो ई बीम लिथोग्राफी एक ऐसा मेथड है जो किस पे काम करता है, टॉप डाउन अप्रोच में। इसमें बेसिकली हम क्या काम करते हैं, बड़े बड़े सेमीकंडक्टर्स को ब्रेक कर करके नैनो मटेरियल्स बनाते हैं। और कौन कौन से एग्जांपल हैं, और जैसे एक होता है आपका एटॉमिक फोर्स मैनिपुलेशन, एटॉमिक फोर्स मैनिपुलेशन ये भी एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या काम करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच को यूज करते हैं। क्लियर, एक आपका हो गया एरोसोल स्प्रे, एरोसोल स्प्रे मेथड। क्लियर, और ऐसे बहुत सारे मेथड होंगे। ठीक, तो ये सारे मेथड बेसिकली क्या है, ये सारे मेथड टॉप डाउन अप्रोच में क्या करते हैं, ओबे करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और नैनो मटेरियल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। बोलो सिंपल सी बात क्लियर हुई। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या इस टॉप डाउन अप्रोच के कोई ड्रॉबैक हैं, तो इसके ड्रॉबैक भी हैं। अब वो ड्रॉबैक क्या है, जरा देखो, उसको नोट करेंगे जल्दी से, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। ले लिया, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है हमारे टॉप डाउन अप्रोच का, वो ड्रॉबैक देखो क्या है, ड्रॉबैक सबसे बड़ा वो है इम्परफेक्शन ऑफ सरफेस, या फिर सॉरी इम्परफेक्शन सरफेस ऑफ नैनो मटेरियल। ये सबसे बड़ा इसका क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इम्परफेक्शन सरफेस ऑफ नैनो मटेरियल। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जितने भी मेथड्स हैं जो इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, इनसे जब आप नैनो मटेरियल्स को बनाते हो, तो इन जो नैनो मटेरियल की सरफेस बनता है उसके अंदर बहुत इम्परफेक्शन होता है। मतलब कि वो बहुत ही रफ होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। क्या पैदा हो जाते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट्स, जिसकी वजह से नैनो मटेरियल्स की जो केमिकल और जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टॉप डाउन अप्रोच की सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, कि जो हमारे नैनो मटेरियल्स बनते हैं उन इस अप्रोच से, उनके सरफेस पे इम्परफेक्शन होता है। इम्परफेक्शन मतलब काफ़ी क्रिस्टल डिफेक्ट्स वहाँ पर होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल और अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। क्लियर, तो ये सबसे बड़ा इसका क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एक ड्रॉबैक और है, यहाँ पर काफ़ी वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, काफ़ी क्या होता है, वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अब ये वेस्ट कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल भाई बल्क मटेरियल को आप ब्रेक कर रहे हो, बल्क मटेरियल को आप ब्रेक कर करके आप नैनो में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है जब ब्रेक करोगे वो तो वेस्ट ही हुआ ना। तो यहाँ पर सबसे अच्छे मतलब मेन ड्रॉबैक आपके ये दो हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, इम्परफेक्शन, सरफेस पे इम्परफेक्शन होता है, उसके बाद वेस्ट प्रोड्यूस होता है, अच्छा खासा वेस्ट है ना। हम बल्क को तोड़ते हैं, नैनो मटेरियल में जाते हैं, वो जो टूट के गिरा वो तो वेस्ट हो गया ना भाई, उसका तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ। क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं आया, तो टॉप डाउन अप्रोच में क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, बॉटम अप अप्रोच की। ये ठीक इसका उल्टा है, रिवर्स है, नोट करें इसको जल्दी से, हटा दें। चलो, देखो जरा, टॉप बॉटम अप, नॉट बॉटम डाउन, बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच।
अब बॉटम अप अप्रोच का भी देखो नाम से फील आ रहा है इसका, बॉटम मतलब कि नैनो मटेरियल से, नैनो मटेरियल से नहीं, बॉटम मतलब क्या, नैनो मटेरियल से भी क्या छोटी चीज है, दिमाग लगाओ जरा ध्यान से। एक होता है बल्क जो हमें दिख रहा है मटेरियल, उससे छोटा चीज़ क्या है, जब हम साइज को घटाते जाएंगे भाई खुद सोचो ना, सबसे पहला हमको मिलता है बल्क, क्या मिलता है बल्क, उसके बाद हमको क्या मिलता है माइक्रो, है ना, माइक्रो मटेरियल्स हमको मिल जाता है जब हम छोटा करते जाते हैं, उसके बाद हमको मिल जाता है नैनो, नैनो मटेरियल्स मिलते हैं, उसके बाद हमें मिलते हैं क्लस्टर, क्या मिलते हैं क्लस्टर। अब ये क्या बवाल है भैया मेरे, क्लस्टर की अगर हम बात करें, क्लस्टर बेसिकली है ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना, ग्रुप ऑफ एटम, बंच ऑफ एटम, बहुत सारा एक एटम्स का गुच्छा जब इकट्ठा होता है तो वो एक क्लस्टर कह देते हैं उसको। और फिर क्लस्टर के जब हम आगे जाते हैं तो हमको मिलते हैं एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। तो ये सीक्वेंस है हमारी, है ना, ये सीक्वेंस है भाई, बल्क मटेरियल में मैक्रो पहुंचते हैं, जैसे जैसे उसको छोटा करते रहे तो माइक्रो मटेरियल्स आते हैं, फिर नैरो मटेरियल्स आते हैं, फिर क्लस्टर आते हैं, फिर एटम आता है। अपने को यहाँ जाना है, जब मैं यहाँ से यहाँ गया था तो मैं किस पे था, टॉप डाउन में। तो मुझे बताओ आपको, यहाँ से यहाँ अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मैं किस में होऊँगा, बॉटम अप अप्रोच में, बॉटम अप अप्रोच में। तो बॉटम अप अप्रोच बेसिकली क्या है, बॉटम अप्रोच बेसिकली ये है कि जब हम क्या काम करते हैं, एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ के क्लस्टर बनाते हैं, मतलब कि एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का गुच्छा बनाते हैं, फिर उन क्लस्टर को जोड़ जोड़ के क्या बनाते हैं, नैनो मटेरियल्स बनाते हैं। ये सबसे आसान, सबसे चीप और सबसे इकोनॉमिक, मतलब सबसे बेस्ट अप्रोच है नैनो मटेरियल्स को सिंथेसिस करने के लिए, नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे टॉप डाउन में अगर हम देखें वहाँ पर काफ़ी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, इसमें कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता। हम एटम्स को मॉलिक्यूल्स को जोड़ रहे हैं, जोड़ के क्लस्टर बना रहे हैं, क्लस्टर से नैनो मटेरियल बना रहे हैं। अब इसमें खुद बताओ वेस्ट कहाँ हो रहा है, इसमें कोई वेस्ट नहीं है। ऊपर से जो इम्परफेक्शन था, मतलब जो क्रिस्टल डिफेक्ट का फंडा था, वो भी खत्म हो जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि आप एटम्स को जोड़ रहे हो, आप प्रॉपर स्ट्रक्चर में उनको रखोगे, और एक जो नैनो मटेरियल बनेगा उसके अंदर जो इम्परफेक्शन होगी, जो क्रिस्टल के डिफेक्ट्स होंगे, वो काफ़ी कम होंगे। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होंगे, होंगे, लेकिन काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक, तो बॉटम अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़िशेंट है, बहुत ज़्यादा बेहतर है टॉप डाउन अप्रोच से। इसके ऊपर कौन कौन से मेथड काम करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे मेथड काम करते हैं, जैसे कि एक बड़ा फेमस है ऑर्गेनोमेटलिक केमिकल रूट। ये एक मेथड है जो किस पे काम करता है, बॉटम अप अप्रोच में काम करता है, नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए यूज करा जाता है। और आपका हो गया क्लस्टर बीम इवेपोरेशन मेथड, क्लस्टर बीम इवेपोरेशन मेथड हो गया। ठीक, एक आपका हो गया सोल जेल कंडेंसेशन, या फिर नहीं, एक वो होता है आपका कोलाइडल प्रेसिपिटेशन, ठीक, एंड सो ऑन। तो ये सब मेथड्स क्या हैं, ये सारे मेथड किस पे काम करते हैं, बॉटम अप अप्रोच में काम करते हैं। मतलब क्या, ये क्या काम करते हैं, एटम्स को मिला के क्लस्टर बनाते हैं, क्लस्टर्स को बना के फिर क्या बनाते हैं, नैनो मटेरियल्स बनाते हैं। बोलो इसका फील आया कि नहीं आया। याद रखिएगा, बॉटम अप्रोच ठीक रिवर्स है टॉप डाउन अप्रोच की, ठीक रिवर्स है। वहाँ पर आप क्या काम करते हो, बल्क को तोड़ के नैनो में जाते हो, यहाँ पर एटम को जोड़ जोड़ के नैनो में जाते हो। यहाँ पर तोड़ना है, यहाँ पर जोड़ना है, सही है। टॉप डाउन में आप क्या करते हो, तोड़ते हो, अब जुदा करते हो। बॉटम अप में आप क्या करते हो, आप मिलाते हो, अब जोड़ते हो। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर? तोड़ना जोड़ना, समझ में आया, क्लियर है? ठीक, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। बॉटम अप अप्रोच के क्या कोई ड्रॉबैक है? नहीं, मतलब ड्रॉबैक है, लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन से अगर हम देखें, टॉप डाउन के कंपैरिजन से देखें, तो इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। एक बहुत ही इकोनॉमिकली और एक इफ़िशेंट मेथड है, एक अप्रोच है नैनो मटेरियल को सिंथेसिस करने के लिए। कोई वेस्ट नहीं बनता, कोई क्रिस्टल डिफेक्ट्स नहीं आते, एक बढ़िया अप्रोच है। ठीक, अब जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया, मतलब दोनों में अगर आपको अब भी कन्फ्यूजन हो, वैसे मुझे नहीं लगता आपको कन्फ्यूजन होगी, बट फिर भी अगर आपको दोनों में कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बना रखी है। इस फिगर को जरा ध्यान से देख लोगे ना तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, पूरा फील आ जाएगा टॉप डाउन का, बॉटम अप का। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या काम करा, यहाँ पर ये एक बल्क है, ये एक बल्क मटेरियल है, उसको सबसे पहले मैंने क्या काम करा, तोड़ा। अगर मैं तोड़ूंगा तो वो पाउडर में आएगा, तो पाउडर में पार्टिकल दिखेंगे आपको, सही है। तो हमने क्या काम करा, अगर मैं बल्क को मैंने तोड़ा, तोड़ तोड़ के मैंने उसका पाउडर बना दिया।
पाउडर के बाद भी अगर मैं गया तो मुझे क्या मिलेगा, नैनो मटेरियल मिलेगा। पाउडर को भी अगर मैं ब्रेक करूंगा तब मैं किस स्केल में जाऊंगा, नैनो मटेरियल में जाऊंगा। तो जब मैं बल्क से नैनो में जाऊंगा तो ये वाली कौन सी प्रोसेस है बताना चाहूंगा, ये वाली कौन सी अप्रोच है, ये है टॉप डाउन अप्रोच। ये कैसी अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक। उसके बाद अगर दूसरा अप्रोच देखो भाई, एटम्स हैं, एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स, इनको जोड़ जोड़ के मैं क्या बनाऊंगा, क्लस्टर्स बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, क्लस्टर्स बनाऊंगा। उन क्लस्टर्स को जोड़ जोड़ के फिर मैं क्या बनाऊंगा, नैनो मटेरियल बनाऊंगा, ठीक। अब ये कौन सी अप्रोच है, ये है आपकी बॉटम अप अप्रोच। देखो इसका फील आया कि नहीं आया, फिगर से समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने एक स्केल भी बना रखा है, जब आप टॉप डाउन चलते हो तो आप 1 माइक्रोमीटर से कहाँ पर जाते हो, नैनोमीटर की तरफ जाते हो, है ना। जैसे ये हो गया देखो, 1 माइक्रोमीटर मतलब 1000 नैनोमीटर, फिर उसके बाद 100 नैनोमीटर को पार करते हो, फिर 10 नैनोमीटर को पार करते हो, फिर 1 नैनोमीटर पर आ जाते हो, तो नैनो मटेरियल बन गया। उसी तरीके से अगर मैं बॉटम अप की बात करूँ तो बॉटम अप में आप वहाँ से ही स्टार्ट करते हो, मतलब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट करते हो, एटॉमिक लेवल पर आप नैनो मटेरियल पर आते हो। आप बॉटम अप से यहाँ पर भी आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट हो तो बताएंगे। क्लियर है, समझ में आया, फील आया आपको, ठीक। तो ये हमने आप डिस्कस करा आपके साथ, क्या, बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, जो भी कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में हो वो ख़त्म हो गई हो। क्लियर, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।